बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन अकराम, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के नए और ख़तरनाक सलाहियतों के मालिक पैंटसर मिसाइल सिस्टम के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि 27 फरवरी 2019 को होने वाली झड़प के बाद कब और क्यों और किस मुल्क से पाकिस्तान ने यह सिस्टम खरीदा। नाज़रीन मोहतरम, यह निज़ाम तो है सिर्फ फजाई हमले को रोकने और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान ने खान साहब की हुकूमत के आते ही रूस के साथ दफाई तालुकात में बेहतरी लाने के लिए T-90 टैंक्स को भी खरीद लिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने चाइना से अप्रैल 2020 में ही VT-4 टैंक्स भी खरीदे हैं, मगर आज की वीडियो में इस जदीद पैंटसर मिसाइल सिस्टम और T-19 टैंक के बारे में आप लोगों को आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो की मजीद तफसीलात में जानने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मुहतबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस नए पैंटसर मिसाइल सिस्टम और T-19 टैंक्स की तमाम तर सलाहियतों के बारे में बताऊँ, मैं पहले उन दोस्तों को जवाब देना चाहूँगा जो पिछले दिनों में कमेंट के जरिए पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने अचानक पैंटसर जैसा इतना जदीद मिसाइल सिस्टम क्यों खरीदा। दोस्तों, पिछले साल भारत ने यह दावा किया था कि हमने रातों रात पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और कई फौजी जवानों के साथ साथ पाकिस्तान के 300 लोग मार गिराए हैं, मगर जब मीडिया और बाकी तहकीक करने वाले इदारों के जरिए हकीकत खुलकर सामने आई तो कुछ दरख्त और एक कवे के सिवा पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके थे, और फिर इसका जवाब पाकिस्तान के शाहीनों ने जो दिया था वो सारी दुनिया ने देखा और माना भी। इस बात को अभिनंदन ने भी खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान की फोर्सेज प्रोफेशनल हैं जबकि पाकिस्तान की टी फंटेस्टिक है। नज़रीन अकराम, बेशक इस रात को वो पाकिस्तान का कुछ भी उखाड़ नहीं सके थे, मगर इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा उन्होंने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। आने वाले दिनों में इन खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान ने पैंटसर मिसाइल सिस्टम खरीद लिया, जबकि बड़ी फौज की ताकत में मजीद इजाफा करने की गरज से और रूस के साथ दफाई तजारत बहाल करके और खित्ते में एक और ताकतवर दोस्त बना लिया। पहले यूं था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते तो उन्हें जवाब देने के लिए पाकिस्तान के शहीनों को 2 से 3 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब एक पल भी गुवारा नहीं किया जाएगा जिसका जवाब फौरन दिया जाएगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं पैंटसर मिसाइल सिस्टम की खूबियों के बारे में। नज़रीन मोहतरम, पैंटसर S-1 जो की शार्ट और मीडियम रेंज के सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कम्बिनेशन है। इसके व्हीकल पर 12 ट्यूब नस्ब होती है जिनमें से 57 E-6 सर्फेस टू एयर गार्डनिंग मिसाइल फायर किए जा सकते हैं जो कि 20 किलोमीटर दूर और 15,000 मीटर की बुलंदी तक दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इस मिसाइल की स्पीड 780 से 1300 मीटर पर सेकंड है जो कि तकरीबन 2.3 से लेकर 3.8 मैक तक जा पहुंचती है। इसके अलावा इस दफाई निजाम पर 3 mm की 30 बैरल गन भी लगी होती है जो की 1 मिनट में 2500 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है। इस गन की इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम टारगेट को ट्रैक करने के लिए IRS-01 रडार का इस्तेमाल करता है। पैंटसर मिसाइल सिस्टम एक वक्त में 12 टारगेट को डीकोड करके 3 हदाफ को ब्याक वक्त निशाना लगाने की सलाहियत से माला माल है। इस निजाम को ऑपरेट करने के लिए 3 अफराद की टीम का होना जरूरी है। ये निजाम जिस ट्रक यानी कि व्हीकल पर नस्ब होता है इस ट्रक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। ये तो हो गया पाकिस्तान का नया शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब मुख्तसर बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के पास जदीद रूसी साख्ता T-90 टैंक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। नाज़रीन अकराम, T-90 टैंक के अब तक 2 वर्जन बनाए जा चुके हैं जिनमें पहला ओरिजिनल T-90 जबकि दूसरा T-90A है। T-90 को 1921 में जबकि T-90A को 2004 में सर्विस में शामिल किया गया। इनकी मेन गन समेत लंबाई 6.63 मीटर, चौड़ाई 3.78 मीटर जबकि इस टैंक की ऊंचाई 2.22 मीटर है। इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 अफराद का क्रू होना ही काफी है। यह रशिया का इंतहाई खतरनाक और जदीद सलाहियतों का मालिक टैंक है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ एक इंतहाई दिलचस्प खबर से आगाह करता चलूं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास हमला करने के लिए डबल इंजन TRA SU-30 और राफेल है। दुश्मन मुल्क का हमला रोकने के लिए S-400। इंडिया के पास ऐसी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है जो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। इस तरह की ही कुछ और बातें भी भारतीय यूट्यूबर के मुंह से सुनने को मिलती हैं। आज मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि अगर राफेल ना होता, SU-30 तियारा ना होता, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन ना होती और रूस S-400 देने से इनकार कर दे तो क्या भारत एक यतीम बच्चे की तरह नहीं होगा
जी बिल्कुल होगा, होगा नहीं बल्कि हो चुका है, क्योंकि ऐसी खबर निकल कर सामने आई है कि जिसको सुनने के बाद बाजती माफिया मांगने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी जिन पर भारत बरसों से अतराता फिर रहा है, इनसे अब महरूम होने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि चीन ने रूस की तरफ से गेम खेलने का प्लान बना लिया जिसकी कीमत S-400 है। असल खबर क्या है वो खबर बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सके। नज़रे मोहतरम, पहली बात कि भारत की एक साजिश जो इसने इन दिनों की उसके मुताबिक पहला वार CPEC के ऊपर किया गया पाकिस्तान और चाइना के दौरान जमीनी रास्ते को मुनकता करने की साजिश की जा रही थी, जिसको वक्त से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने डीकोड कर लिया। बजाय इसके कि भारत शराय कराक्रम को ब्लॉक करता, अब खेल उलट चुका है। जैसे ही लद्दाख का मामला पैदा हुआ भारत को लेने के देने पड़ गए। नज़रे कराम, इससे पहले कि हम इस बात को देखें कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार क्यों किया, तो एक नजर भारतीय स्कोई SU-30 और इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर डालते हैं। नज़रे मोहतरम, इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी के पास टैक्टिकल मिसाइलों का सरदार नसर मिसाइल मौजूद है, जो चंद मिनटों में भारत की बड़ी से बड़ी फौज को निस्तो नाबूद कर सकता है, जिसके रेंज 70 किलोमीटर है और ये मिसाइल अपने साथ 400 किलोग्राम का बारूदी मवाद अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम शामिल है। नज़रे कराम, बहुत से भारतीय न्यूज एंकर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद JS-17 थंडर भारत की कोई SU-30 से इंतहा दर्जे बेहतर है, जिसकी मिसाल 27 फरवरी को मिलती है। कोई SU-30 एक डबल इंजन का हमल लड़ाका तैयार है, जो अपने साथ मुख्तलिफ इकसाम के एयर टू एयर एंड एयर टू सर्फिस मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, मगर इसके मुकाबले में JS-17 थंडर एक सिंगल इंजन तैयार है, जिसमें PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसके अलावा JS-17 थंडर के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि जिसके बाद दुश्मन इस बात को समझने से कासर हो जाता है कि मुझे कंट्रोल रूम से क्या ऑर्डर आ रहा है और मेरी बात को कोई सुन भी रहा है या नहीं। नज़रे कराम, इस टेक्नोलॉजी को TA-20 के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद JS-17 थंडर के सामने चाहे SU-30 हो या फिर राफेल जमीन बोस हो जाएगा। नज़रे मोहतरम, इसके बाद भारत के लिए सबसे बड़ी और बुरी खबर ये है कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया। वैसे तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2020 के मिड या फिर आखिर तक मिल जाना था, मगर अब रूस ने कहा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम अब 2021 के आखिर में मिलेगा। इस डिले की असल वजह चीन है, क्योंकि इस वक्त चीन और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। असल में आजकल चाइना और रूस के वज़राए खारजा के दरमियान मीटिंग चल रही है और यकीनी बात है कि रूस चाइना जैसे दोस्त और इतनी बड़ी ताकत को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि रूस की इकानमी जब डूब रही थी तो चाइना ही इस वक्त रूस का सहारा बना। इसलिए अब रूस भारत को मजीद एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा, कम से कम इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर चाइना इस बात पर जोर दे कि रूस भारत को S-400 नहीं देगा, तो बिल्कुल भी भारत ये एयर डिफेंस सिस्टम हासिल नहीं कर सकेगा और फिर चारों तरफ से नाकामी के बाद भारत को यकीनी तौर पर मूंछ पाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। नज़रे कराम, आप भी इस बारे में अपनी राय का हजार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बैल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तरह टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें, क्योंकि नाजरीन हम हमारे पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तोजन बरकरार रखे हुए है। नीज अगर हमारी इस वीडियो को कोई पाकिस्तानी सुन या देख ले तो उसका सर फकर से बुलंद हो जाता है, और अगर इसी वीडियो को पाकिस्तान का दुश्मन सुन या देख ले तो उस पर खौफ से लर्जा तारी हो जाता है। तो आइए नाजरीन, आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हिस्स के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नज़रे कराम, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगेबान।